दो गुंडे आपस में बात करने लग रहे, एक बोला मैं शाना, दूसरा बोला मैं शाना। अब फैसला कौन करे? इन्हें बोला रहे बयानी बस स्टैंड पर बस खड़ी है या जागी दिल्ली, और दिल्ली तक बस में चलना है। कंडक्टर की कुसामद नहीं करनी, अपनी चलाकी दिखानी है और दिल्ली तक बस में फ्री जाना है। जो दिल्ली तक बस में फ्री चला जाएगा वो एशियाना। फैसला हो गया, एक बुढ़ा अगली खिड़की में चढ़ गया, एक पछली में चढ़ गया। कंडक्टर कुदरती अगली खिड़की में चढ़ गया और बुढ़े से बात करने लगा, ताऊ टिकट ले ले। एक और सही बात करे सुबेदार साहब, क्या हाल भाई, कहाँ रहता आजकल? जाने का कंडक्टर भी ने बोला, ताऊ स्वाद नाले टिकट ले ले। आशकी ने बोला, मैं छोरी एक बात बता, आ रहा है तारा गांव की छोरी फेंट गया, पड़ोस में तो त्रिमान लगती हो, तो अपनी बेबे की टिकट काटेगा? नहीं ना था, वान की बेबे की टिकट क्यों कर काटूंगा, 11 रुपये भी दूंगा, चाह पानी भी पियाऊंगा, केले भी दिवाऊंगा और दिल्ली तक फ्री भी ले जाऊंगा। नोबेला बेटा, तू 11 रुपये भी रान दे, चाह पानी भी रान दे, केले भी रान दे, तू मैंने दिल्ली तक फ्री ले चाल, न्यू सोच ले तेरी बेबे फेंटी। कंडक्टर भी मजा किया था, नोबेला था उतने चाला कर दिया, अच्छा रिश्ता बन गया, अगली सीट पर बैठ जाता, कोई नहीं टोकगा, तन्ने ले जाएगा फ्री जरूर। अब टिकट काटता काटता फसला दौरा पहुंच गया, नोलता हूँ टिकट ले आकड़ गया, नोला कत्ती नहीं भाई, पहले अगला बूटे की टिकट काटा, मेरी जो दो काट दी, जब तक अगला बूटे की टिकट नहीं काटेगा टिकट नहीं ले कती, आकड़ गया। कनेक्ट भी फंस गया, धर्म संकट होने लगा, क्यों कर टिकट काटूं उसकी, घना मजा किया बूढ़ा है, सारी बताई, यूं बोला यूं बोला यूं बोला, और वो बन गया मेरी बाण, तू शान आदमी है, खंडकाल आदमी है, नू बतावा अपनी बाण की, अपनी बेबे की टिकट क्यों कर काटूं। फसला बूढ़ा भी कहने लगा, पहलवान टिकट मैं भी नहीं लेता, तू नू सोच ले तेरी बेबे गलत तेरा जी चल गया रहता। एक मेरा बहुत पुराना चुटकुला है, मैंने शरण साहब लगभग 25-30 साल पहले लकीली रोहतक रेडियो स्टेशन बनया, भीड़ सी भी कम थी, छूत बैठ गया बचपन में ही रेडियो बजाने का, गाने का, नाटकों में पहले के फिर जैसे तैसे गाने भी लग गए। उन दोनों में से मैं सुनाता हूँ ये चुटकुला, तब तक मेरे ख्याल तैयार हो जाएगा। मैं चुटकुला सुना दूंगा, उसके बाद मेरा लिंक जुड़ जाएगा, छोटा सा गीत गा दूंगा और आनंद जी गीत रोकेंगे तो तब भी कोई बात नहीं, मेरा काम लगभग पूरा हो जाएगा। बहने बैठी हैं, स्थिति बड़ी नाजुक देखे हम जब बचपन में थे, हकीकत में महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत थी, और आजकल तुम सी आकर के नहीं करना है, वी आर वर्किंग वुमेन, हमारी मार का तो 5% भी नहीं, तनख्वाह भी छोड़ दो, तनख्वाह की बात नहीं कर रहा, हम सवेरे देखा करते 4 बजे उठ के दड़ी दड़ी चून पीसती, हाथ गल है दूध बिलोती, गोबर पानी, रोटी, और जाके खेत में मर्द के गल कंधा कंधा, और आंदे मानस आंदे खाली, और लुगाई लेंदी सिर पर परोते, ये बिल्कुल सच्चाई है। आकाशवाणी रोहतक में 6:20 पर आगे नहीं आती है, पहले भी आती थी, आज भी आती है, 6:20 से 7 बजे तक, 7 से 7:30 बजे तक खेती बाड़ी की बातें पहले भी आती थी, आज भी आती हैं, उसी संदर्भ की बात है, 25-30 साल पहले का लिंक यहाँ जोड़ता हूँ। आकाशवाणी रोहतक में चल रहा कार्यक्रम गन्ने की बिजाई के बगंडा, वो ये जीरी रिगम वगैरह वगैरह कैसे काम चलेगा, तभी रेडियो में गड़बड़े, वही रेडियो अपने आप दिल्ली बोलने लग गई। दिल्ली में चल रहा प्रोग्राम बहनों की पढ़ाई, कि महिलाएं शिक्षित होंगी तो क्या सुविधाएं मिलेंगी और अनपढ़ रहेंगी तो क्या दिक्कत होंगी, और हकीकत में थी भी दिक्कत, वो जुड़ गई। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी 2, कभी दिल्ली कभी रोहतक, इधर आकाशवाणी दिल्ली इधर आकाशवाणी रोहतक, दोनों मिलकर के कैसे गड्ढमड हो गया, जहां जहां समझ भाई सोच लेना, ये आकाशवाणी दिल्ली का रोहतक केंद्र है। सबसे पहले सभी बहनों को रामपुर भाई की राम राम। बहनों, आज हम आपको बतलाएंगे कि अनपढ़ महिलाओं की खेती टुकर करी जा है। वैसे तो अनपढ़ महिलाएं आमतौर से फागुन और चैत के महीने में बोई जाती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये 12 मासिया फसल के तौर पर भी पाई जाती हैं। अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले कई ईसा में कट के धरती में गाड़ दिया जाता है, यहाँ पर ऐसी अनपढ़ महिलाओं को गंडीरी कहा जाता है, महिलाओं की शिक्षा अच्छे प्रकार से चली, इसलिए ट्रकों में भर के मिलों में भेज दिया जाता है,
जहाँ पर उनकी अच्छे प्रकार से पिड़ाई और कुटाई की जाती है। अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने का शब्द पहला कारखाना 110 साल पहले लग गया था। उससे पहले अनपढ़ महिलाएं विदेशों को मंगानी पिड़ा करती है। जो महिलाएं अच्छी प्रकार से पढ़ लिख जाती हैं, उनकी चिन्नी बनती है। जो बेचारी अनपढ़ रह जाती हैं, उनकी बिरदारू निकलती है। देखो बहनों, जैसे जैसे आप शिक्षित होती जाएंगी, मंडी में भावी चोखे लगते चले जाएंगे। अगर बहनों आप अशिक्षित रही तो दिहाड़ीदार मजदूर भी रोड़ मार सके। दिहाड़ीदार मजदूर रोड़ मारेंगे अनपढ़ों की। पढ़े लिखे अपनी घर ने कि मैं कह के दिखा दो, मैंने तो सांपा की मौसी कह दिया, आनंद शर्मा सांपा की मौसी कह के दिखा दो। जब जो ना पहले जमाना भी बदल गया, पहले जाती लड़की ससुराल जाती, मानो क्या करती बेटी त्री सासू के पाँव बोचिए, त्रे ससुर के पाँव बोचिए, बड़का शर कुछ करिए। अरीब तो गाड़ी बैठती नहीं, जानते फोन कर दिए, एक बार फोन कर दिए, फिर मैं जानू मैं जाने।